drill and then you'll die. दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ कि गाड़ी का जो चार इंडिकेटर होता है कैसे चालू करने का, उसका वायरिंग काम करने का कैसे उसका तरीका बताने जा रहा हूँ। जैसे एक इंडिकेटर और ये इंडिकेटर बटन चालू करने के बाद राइट और लेफ्ट बटन चालू करोगे तो आपका इंडिकेटर चारों कैसे चालू होता है उसका आज मैं इसका वायरिंग करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। वायरिंग कहाँ से मैंने, जैसे सब मैकेनिक का काम करने का अलग तरीका होता है, हमारा काम करने का अलग तरीका होता है, उसका खाली वायरिंग का तरीका आपको बताने जा रहा हूँ मैं। उसको वायरिंग अब मैं कैसे कर रहा हूँ, अब ये देखिए मैं आपके बटन के पास लेके आया हूँ। मैं कहीं से वायर कट नहीं कर रहा हूँ इसको, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इधर देखो एक और ये दो, ये दोनों इंडिकेटर का वायर है तो इसमें मैंने दो वायर लगाया हूँ। ये देखिए एक इसमें वायर लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ जो लास्ट वाला है वो इंडिकेटर जो फ्लेशर होता है उसका वायर लगा हुआ है, इसमें डायरेक्ट करंट आता है, इसमें वायर नहीं लगाना चाहिए। एक इधर वायर कोई भी गाड़ी में से आपको वायरिंग करना है, एक इधर वायर लगाना चाहिए और आपको एक बटन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। अभी मैंने इसको क्या किया हूँ, ये देखिए इसको दोनों वायर मैंने अभी कट के रखा हूँ, बटन मैंने यहाँ लगा रहा हूँ। देखिए ये बटन यहाँ लगा रहा हूँ बंद चालू करने का। अभी इसको जैसे आपको इंडिकेटर चालू करना है तो मैं पहले इसको वायरिंग कर दे रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ मैं कैसे इसको वायरिंग आप इजी से कर सकते हो। अभी तो आपको बता भी चुका हूँ, अब इससे बाद भी बताता हूँ मैं बटन में वायर लगाने के बाद। वापस मैं आप लोग को रिपीट कर रहा हूँ, ये वायर, एक वायर देखो इंडिकेटर का ये भी है, एक राइट का और लेफ्ट का, जो राइट और लेफ्ट का आता है उसमें लगाना चाहिए, और जो बीच वाला होता है जैसे बीच वाला जो वायर है ये भी इंडिकेटर का है, उसके जो बाजू का है, और ये वाला जो है ये भी इंडिकेटर का है, और ये जो लास्ट का है फ्लेशर का इसमें नहीं लगाना चाहिए, इसमें दो वायर लगाना चाहिए। अभी मैंने लगा चुका हूँ, अब ये देखिए ये दोनों इंडिकेटर का ये देखो चालू है, अब आगे भी चालू दिखा दे रहा हूँ मैं। ये देखिए आगे दोनों भी इंडिकेटर चालू है। अब इसको बटन बंद करेंगे, बटन मैंने यहाँ लगाया हूँ, ये देखिए अब इसको बटन बंद, तब इंडिकेटर एक चालू है। इसीलिए आप इजी से इसको वायरिंग आप कर सकते हो इस तरीका। अभी देखिए लेफ्ट का किया तो लेफ्ट का चालू है, राइट का किया तो राइट का चालू होता है। ये देखिए अभी बटन जब चालू करेंगे तो दोनों ये समझ लो चारों इंडिकेटर ये चालू हो जाएगा, आगे पीछे का और मीटर का।